राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य आ दिखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो भी बोलता हूं उसे मेरा निजी बयान कह दिया जाता है, जबकि दूसरे महासचिव का बयान पार्टी का बयान हो जाता है। आखिर यह भेदभाव क्यों? फिलहाल मैंने अखिलेश यादव को सारी चीजों की जानकारी दे दी है, वो जानते हैं कि मेरा इशारा किस ओर है। इस्तीफा देने से पहले भी मैंने उनको सभी परिस्थितियों से अवगत करा दिया था। वहीं अखिलेश की शालिग्राम पूजा के चंद घंटे बाद इस्तीफा देने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूजा पाठ निजी मसला है, मुझे पार्टी द्वारा नहीं बताया गया कि पूजा पाठ पार्टी ऑफिस में है, इसकी जानकारी नहीं थी। अगर लखनऊ में होते तो क्या पूजा में सम्मिलित होते? इस सवाल के जवाब में मौर्य ने कहा कि मैं जहां पर था वहां इस बात की जानकारी नहीं थी, एक पत्रकार के माध्यम से मुझे उच्चहार में जानकारी मिली, बाद में यही पता चल भी जाता तो भी नहीं आ सकता था। सपा विधायक मनोज पांडे के मानसिक विक्षिप्त वाले बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे छह विधायकों की बातों पर बोलना नहीं है। बकोल स्वामी कुछ छुट भैया नेता जिनकी हैसियत अभी भी वोट दिलाने की नहीं है, वो मेरी बातों पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। चूंकि मैंने बहुजन समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं शुरुआत दौरी से लड़ी है, इस अभियान को आगे भी जारी रखूंगा। इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है, जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों दलितों पिछड़ों पर जुर्म जाति अत्याचार करना अपना अत्याचार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, वो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपके ही पार्टी के नेता है, आपकी ही पार्टी के पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। पार्टी के सीनियर नेता राम गोविंद चौधरी द्वारा समर्थन में पत्र लिखने पर उन्होंने कहा कि वह पुराने समाजवादी हैं, अब उनकी बात मानना या न मानना अखिलेश पर निर्भर करता है। पल्लवी पटेल के बयान पर मौर्य ने कहा कि मेरी अभी उनसे वार्ता नहीं हुई है, हालांकि मुलाकात होती रहती है, मुझे राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम पर ऐतराज नहीं है, मेरे इस्तीफे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने बयानों को लेकर आलोचना झेल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो सनातन का अर्थ समझते हैं वह मेरे लिए ऐसी बातें नहीं कर सकते, मैंने लोगों को BJP के मकर जाल से निकालने का प्रयास किया है, पाखंड से निकलने का प्रयास किया है।